हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि -3/4 से, इस -3/4 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि जो है आपको 5/6 मिल सके। तो देखो हमको पता नहीं है भाई कि हम -3/4 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस सारे केसेस में क्या करना कि मान लो कि -3/4 से आपने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाया, आप जानते हो ना। तो जब -3/4 से आपने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 5/6। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि -3/4 में अगर आपने एक्स सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो नंबर जो है 5/6 के बराबर हो जाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे भी या -3/4 से एक्स सब्ट्रैक्ट किए तो आपको इतना मिला 5/6। ठीक है, तो देखो तो इसे सॉल्व करने के लिए -3/4 देखो इक्वल की इस साइड ही आपका प्लस में है, देन इक्वल की इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देन आपका जो था ये माइनस में, इक्वल की इस साइड आएगा तो प्लस में हो गया। ठीक है, उसके बाद जो था आप देखो ये 4 हो गया एंड देन ये 6 हो गया। ठीक है, तो आप इस न्यूमिनेटर को, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हो, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हो। ठीक है, अगर आपको जो है न्यूमिनेटर को सॉल्व करने के लिए करना है तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करोगे, इसकी दोनों की एलसीएम करोगे, मतलब दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम निकालते हो तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा तो हम देख लेते हैं। देन 2 से ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, तो मीन्स इसका एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3, मतलब 2 × 4, 4 × 3 = 12। इसकी एलसीएम हो गई आपको कितना 12 हो गई, मतलब कि दोनों को आपको, दोनों डिनोमिनेटर को 12 के बराबर करना है। ठीक है, मानते हैं -3/4 है और इस 4 को आपको डिनोमिनेटर के बराबर करनी है तो क्या करोगे, मतलब 12 के बराबर करनी है, जिसमें 4 में देखो 4 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे ताकि जो है आपका डिनोमिनेटर ये 12 हो सके। तो देखो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, देन ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद माइनस ऑफ 5/6 ऑल्सो भी, ये दोनों ये 12 है 6 है, तो इसमें देखो 6 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 2 से। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि देखो कि आपका कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी भी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यह ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा और फिर बच जाएगा आपका माइनस ऑफ 5/6 और लेकिन आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एक्स, ओके। देन 3 × 9 -9/12, उसके बाद 5 × 10 और 6 × 12। अब देखो कि आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप इजिली इस न्यूमिनेटर को सॉल्व कर सकते हो, -9 और 10 हो गया। ठीक है, तो देखो तो मतलब ये दोनों का साइन जो है -9 और 10 का दोनों साइन सेम है, सेम के केस में क्या होता है सिंपली ऐड कर देते हो। अगर इसमें अगर दोनों पे नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन लगा देते हो, अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन लगा, लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव है तो सिंपली आप ऐड करो 10, 9, 19 और बटा 12 हुआ, लेकिन नेगेटिव है देन नेगेटिव हो गया। ठीक है, कि मतलब आप समझो ये क्या कर रहा है, x = -19/12 मीन्स इन -3/4 में अगर आप -19/12 को सब्ट्रैक्ट करते हो इस -3/4 से तो आपको 5/6 मिल जाएगा। ओके, आपका क्वेश्चन यहीं बोल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।